अस्सलाम वालेकुम, आज 23 फरवरी है और दिन है आपका जनाब बुध का, और बहुत से लोग ये सवाल पूछते नज़र आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जो है उनको वो टूरिस्ट वीज़ा या आप कह सकते हैं कि सयाहत का वीज़ा जो है वो हासिल करना है, लेकिन सिंगल कैटेगरी मेल वीज़ा पर फिलहाल पाबंदी है पाकिस्तान समेत 13 ममालिक पर। आपकी उम्र अगर 18 से 40 साल के दरमियान है तो सिंगल एंट्री मेल वीज़ा आपको नहीं मिल सकता क्योंकि ये बैन है, लेकिन अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो आप सिंगल कैटेगरी के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके वीज़े के एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं और आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा फैमिली के साथ भी आप अपना विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा प्लान करके जा सकते हैं, और फिर वहाँ जाकर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो आपके वर्क परमिट तब्दील हो सकती है, लेकिन सिंगल कैटेगरी बैन है और इस पे वीज़ा नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं, अगर आप फिर भी अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद वीज़ा फ़ी रिफंडेबल नहीं होगी। ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आपसे शेयर की। इस तरह के मज़ीद अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।